हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक शर्मा, आपका दोस्त, साथी, कुछ भी कह लो। तो आज हम बात करेंगे मैं किस तरीके से अपने जो कैरोसेल डिज़ाइन करता हूँ, अगर मैं उनको इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करूँ तो क्या प्रोसेस इस्तेमाल करूँगा। तो मैं जो अपना आने वाला कैरोसेल डिज़ाइन करने वाला था, वो तो मैंने सोचा कि उसको इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करता हूँ और आप लोगों की हेल्प करता हूँ ये समझाने के लिए कि इंस्टाग्राम में इजी तरीके से किस तरीके से हम एक कैरोसेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ, जैसे कि पहले बताया था कि एक कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए एक नोटपैड के अंदर कि आप क्या उसमें डालने वाले हैं, और उस कंटेंट के अलावा आपके पास इमेजेस रेडी होनी चाहिए कि आपकी जो इमेजेस हैं वो कौन सी हो सकती है। तो मैंने ये तीन इमेजेस डाउनलोड कर ली और ये कंटेंट मैंने रेडी कर लिया अपने पास, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ इलस्ट्रेटर पे, और यहाँ पे आपने देखा कि एक साइज़ बनाया हुआ है मैंने। कभी भी कोई साइज़ चेक करना हो तो उसके लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, आर्ट बोर्ड टूल का, या फिर हम शिफ्ट ओ प्रेस कर सकते हैं। शिफ्ट ओ प्रेस करते ही हमारे पास ये आर्ट बोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे इसकी विड्थ और इसकी हाइट लिखी हुई आ जाएगी। तो जैसा कि इंस्टाग्राम का लैंडस्केप वाला जो मोड होता है, उसमें लंबा वाला जो ये होता है स्क्वायर के अलावा जो होता है, अगर मैं इसको 1080 कर दूँ तो ये देखिए स्क्वायर हो गया, पर इसको ये अगर मैं 1350 या 13850 कर दूँ तो ये देखिए ये वाला जो मोड होता है, वी प्रेस करते ही हम बाहर आ जाएंगे इस मोड से। शिफ्ट ओ से अंदर, वी प्रेस करते ही बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। इसके बाद ये दो ग्रेडियंट है, ये एक ग्रेडियंट है और ये मेरा बैकग्राउंड कलर है जो मैं, ये एक्चुअली ब्लैक नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ पे तो देखिए ये ब्लैक नहीं है, इसका है 0B0D14 जो इसका कोड है, हैश कोड, ठीक है। तो अभी हमने ये बना लिया है, उसके बाद हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रूलर आ जाएंगे। ये किस लिए यूज़ किए, मैं यहाँ पे जाता हूँ एम रेक्टेंगल टूल लेके डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं 80 और 80 का एक रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको लेफ़्ट अलाइन करा, टॉप अलाइन करा, ये कोने में आ गया। आपको पता है ये क्यों इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है रूलर लगाने के लिए। तो यहाँ पे रूलर मैं यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगा और इस तरीके से लगाऊंगा। आपको पता है रूलर क्यों लगाए जाते हैं? रूलर लगाए जाते हैं किसी भी चीज़ को प्रॉपरली अलाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से रूलर लगा दिए हैं और यहाँ पे भी इस तरीके से नीचे की तरफ भी रूलर लगा दूंगा, ताकि मैं जो डेटा, जो भी मतलब इसमें मैं अपनी डेटा या फिर जो भी कंटेंट या फिर जो भी इमेज डालना चाहता हूँ वो मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी और इंस्टाग्राम में लगी हुई भी अच्छी लगेगी। इसके लिए मैं रूलर इस्तेमाल करता हूँ। अब बात आती है, इसका एक बैकग्राउंड होगा तो इसका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? उसके लिए हम एम प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, 1080x1350 ये हमारा साइज हो गया। उसके बाद आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये इसको कलर को ले लेगा। उसके बाद सेंटर अलाइन, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग फेज। अब हम टी प्रेस करते हैं और सबसे पहला जो हमारा काम है वो है आई डॉट डिज़ाइन गुरु लिखना, और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा करना, और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस कैरेक्टर पैनल खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉपिंस का ब्लैक वर्जन मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ब्लैक कर लिया इसको, ब्लैक करने के बाद यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज करना है। अब तो आपको पता है ये कलर होते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दूँ वाइट। अभी इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये है मेरा बड़ा और मेरे ज़्यादातर जो छोटा है ना इसको कैप्स में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको कैप्स में करने के बाद यहाँ पे इसको छोटा कर लूँगा। ये हो गया मेरा पहला काम, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नीचे लेकर लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा और फिर से कैरेक्टर में जाके इस बोल्ड को मैं कर लूँगा मीडियम, उसके बाद कैप्स लॉक ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे इसको लिखता हूँ www.idesignguru.com, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। रूलर को हटा हटा के हम चेक भी कर लेते हैं कभी कभी ना, कि किस तरीके का हमारा डिज़ाइन दिखने वाला है इस तरीके से। तो मैं तो ऐसे करता हूँ, मतलब आप कर सकते हैं। उसके बाद
अब बारी आती है हमारी इमेज लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने फोल्डर में, फोल्डर में जाके मैं यहाँ पे अंकल जी हैं ये, इनको उठा लेता हूँ। और यहाँ पे अभी देखो ये एक्स बना हुआ आ रहा है ना ये इमेज के साथ, क्योंकि ये लिंक है इमेज अभी फ़िलहाल, जिस फोल्डर में आपने डाला उस फोल्डर से लिंक है। इसको हम एम्बेड कर देंगे, ये लिंक कनेक्शन हट जाएगा। अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई, एम्बेड कर दी हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना एक पर्टिकुलर इमेज का एक स्पेस बन जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूँगा और इसको ना राइट क्लिक करके अरेंज करूँगा फ्रंट, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अभी सबसे ऊपर ये आ गया, और इसके नीचे क्या है उसको देखने के लिए मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ। तो देखो वायर फ्रेम आ गया, मैंने ये लिखा और एक इमेज लगाई, तो ये है हमारी इमेज, ठीक है। फिर राइट क्लिक करूँगा और इसको कर लूँगा अरेंज में जाके फ्रंट, ठीक है। अब मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ, ये देखो इसके ऊपर आ गई ना ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको, मेरे को पीछे ही रखना है, और अभी ये देखो यहाँ पे जाता हूँ, इसको करते हैं अरेंज टू फ्रंट। अब मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके ये इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, फिर कंट्रोल वाई करूँगा, शिफ्ट के साथ ये प्रेस कर लूँगा और कंट्रोल सेवन प्रेस कर दूँगा। अभी क्या हुआ, ये हमारा बैकग्राउंड, ये हमारी इमेज, आप देख रहे हो इमेज है कहाँ तक और ये इसने कहाँ तक बनाया। ये रीज़न ये हुआ कि ये इमेज उस साइज के अंदर मास्क हो गई है। अब मैं इस इमेज पर डबल क्लिक करता हूँ और इस तरीके से आ जाता हूँ, ये देखिए क्लिप बन गई है, क्लिप ग्रुप, ठीक है। अब मैं इस इमेज को अगर मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, ये देखो अब ये इमेज ना बड़ी हो तो रही है पर उस स्पेसिफिक साइज के अंदर ही रहेगी। अब इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके अरेंज बैक कर दूँगा, इसको मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। अब ये देखिए ये मेरी इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं इस इमेज के साथ जो भी छेड़खानी करूँगा वो इस स्पेसिफिक साइज के अंदर ही होगा, इसमें मेरे को परेशान नहीं होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये स्पेसिफिक साइज के अंदर ही छोटा बड़ा होगा, ठीक है। अब मेरे काम आता है यहाँ पे मेरा मेन चीज़ कि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट क्या है, तो टेक्स्ट मैं यहाँ पे जाके चेक करूँगा, ये है मेरा टेक्स्ट, ये दो दो बार खुल गया, हाँ टेक्स्ट ही है, इंस्टाग्राम कैरोसेल क्रिएशन टूल विच आई यूज़। तो इंस्टाग्राम के लिए मैं हो सकता है यहाँ पे आइकन लगा दूँ, कैरोसेल क्रिएशन टूल्स, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ हल्का सा बड़ा करते हैं इसको और यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी मेरे को, आपको पता है कि मैं कौन सा साइज ले रहा होता हूँ, CHAMPION चैम्पियन करके मेरे पास एक फॉन्ट है ये वाला, इसको लूँगा मैं यहाँ पे, और कैरोसेल को मैं अलग कर लूँगा यहाँ पे पहले, ठीक है। कैरोसेल अलग करने के बाद यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देखूँगा मेरे हिसाब से हैं कि नहीं है। ये मेरा कैप्स लॉक ऑन होना चाहिए, कलर में जाऊँगा ये वाइट होना चाहिए, और यहाँ से इसको बड़ा करूँगा, ठीक है। ये मैंने बना लिया, आज मैं इसको नीचे ज़्यादा रखना चाहता हूँ ऊपर की जगह, यहाँ से डिज़ाइन थोड़ा चेंज करके देखे ना आज। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, कैरोसेल के बाद CREATION क्रिएशन टूल्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरोसेल क्रिएशन टूल्स, और इसको थोड़ा नीचे लेके आ गए और इसको इस तरीके से कर लिया। अब ये देख रहे हो जो मेरा जो ये रूलर है, इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब मैं ना इसको इस तरीके से अलाइन कर सकता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने कैरोसेल क्रिएशन टूल्स लिख दिया, अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको नीचे लेके आऊँगा, इसको नीचे लाने के बाद यहाँ पे करूँगा मैं इसको 30 मे बी, हाँ, और यहाँ पे लिखूँगा पॉपिंस, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी छोटी चीज़ें और जो पैराग्राफ होता है वो पॉपिंस मीडियम में ही लिखना पसंद करता हूँ, छोटे में। और यहाँ पे मैंने इतना करने के बाद इसको लिख दिया विच आई यूज, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ विच आई ऑलवेज यूज, ठीक है, विच आई ऑलवेज यूज कर देंगे हम। उसके बाद इसको ऊपर करेंगे और अब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे, बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा जो भी करना है यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे कर लिया। उसके बाद हल्का सा इसको नीचे किया, अभी ये देखो ये ना एक टेक्स्ट रूप में है। अभी मैं इस पर अगर ग्रेडियंट डालता हूँ तो इस पे ग्रेडियंट ना आ नहीं रहा है, देखो ब्लैक हो गया, पर जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करके और क्रिएट आउटलाइन या फिर कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करूँगा, और जैसे ही फिर मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ है ना, तो ये यहाँ पे ग्रेडियंट इसको ले लेगा, ये देखो ले लिया ग्रेडियंट। और आपको पता है
कि हमारा ग्रेडियंट कौन सा चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ इस ग्रेडियंट को, तो मैं यहाँ जस्ट इस पर क्लिक करूँगा, आई प्रेस करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा, वही ग्रेडियंट इसने यहाँ ले लिया। और ग्रेडियंट लगाने के बाद ये हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा जो इसका एंगल जाता है वो जाता है 120। तो 120 जैसी मैं एंगल करूँगा, ये देखिए वो मेरे वाला जो है टूल का जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वही वाला यहाँ पे आ गया। अब इसको अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे, और ये आ गया मेरा एडजस्टमेंट क्लियर। ठीक है, अभी मैं इसको कैरोसोल को बड़ा करके यहाँ पे, और जो आजकल डिज़ाइन चल रहा है आपने देखा भी होगा क्या डिज़ाइन चल रहा है, अभी इसको भी मैं क्या करता हूँ ना, राइट क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट ओ वाला सीन कर दिया इसके साथ। तो डिज़ाइन क्या चल रहा है, इसके पीछे मैं क्या डालूँगा, ड्रॉप शैडो। तो इफेक्ट पे जाऊँगा, स्टाइल्स पे जाऊँगा, ड्रॉप शैडो पे जाऊँगा, और यहाँ से इसका प्रीव्यू ऑन है। अब इसकी ओपेसिटी 100%, और ये चेंज कर करके हम इसको देखेंगे, ऑफसेट चेंज कर करके इसको देखेंगे, ब्लर भी ठीक है, इसको करेंगे 15 15। ये देखिए हल्की सी शैडो आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, फिर से स्टाइल्स पे जाऊँगा। अच्छा, अब ये तो मेरा चला गया, अब मैं वापस कैसे आऊँ उसी चीज़ पे, तो मैं यहाँ से ना विंडोज़ में जाके यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ दिख रहा होगा, तो जैसे मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ यहाँ पे देखो ड्रॉप शेडो आ गया ना, इस पे डबल क्लिक करूँगा, ये वही ऑप्शंस आ गए ना 15 15 5, तो इसको मैं 20 करता हूँ, 20 करता हूँ, ये देखो। तो यानी कि मेरा एक्स जो है ना वो इधर हो रहा है और वाई नीचे आ रहा है, तो मैं इसको अगर मैं 5 भी कर दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये मेरा 25 होगा तो ये देखो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को ब्लर इसका ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इसको 30 करके देखता हूँ, तो देखिए ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं 20 करके देखता हूँ। अभी ये ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है, इतना ही मुझे चाहिए। अभी मैं इसको बस हल्का सा ऊपर करूँगा ये ऐसे, और मेरा जो काम होना था वो यहाँ पे परफेक्ट हो गया है। कैरोसेल क्रिएशन टूल्स विच आई ऑलवेज यूज़। अभी यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो है इंस्टाग्राम का आइकन। ठीक है, तो या तो आप इंस्टाग्राम का आइकन उठा के लाओ कहीं से, या फिर आप उसको इंटरनेट से SVG डाउनलोड कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पुराने किसी फोल्डर में जाके चेक करता हूँ मैंने इंस्टाग्राम का आइकन कहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, और मुझे अगर नहीं मिला तो फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा, कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक फोल्डर है यहाँ पे एरो नाम से, अगर नहीं मिलता है तो फिर एरो नाम से फोल्डर है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये रहा, इसको अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, ये आ गया इंस्टाग्राम। तो मुझे ये चाहिए यहाँ पे ये वाला। ठीक है, कंट्रोल सी प्रेस करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, और ये यहाँ पे डालता हूँ मैं मिडल में। ठीक है, और क्या कलर होना चाहिए इसका, आप सजेस्ट करिए। इंस्टाग्राम का कलर तो होना चाहिए वाइट, और जो ये है इसका कलर होना चाहिए ये ग्रेडियंट। तो बस खाली यहाँ पे क्लिक करना है एक एक करके, और ये मामला सेट हो गया अपना। उसके बाद मैं इसको हल्का सा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो अभी इंस्टाग्राम एक्चुअली ना इनके फेस पे आ चुका है, वो मैं नहीं चाहता, तो मैं इस सारे को उठाऊँगा ऐसे शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट, ये सेलेक्ट रह गया, अब इसको आया जो बन गया इसको नीचे कर लो। अब देखो आप, ठीक है, अभी क्या है ना कि मुझे अभी M प्रेस करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ 1080x1080। मुझे पता है ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है आपको प्रोसेस, पर दिस लुक्स स्टनिंग जब ये क्लिक बन के आएगा ना। अभी मैंने ये बना लिया, ये स्क्वायर बनाया है मैंने, इसलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रूलर लगाया और यहाँ पे मैंने एक रूलर लगाया ऐसे। अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर देते स्क्वायर को, ये फिर रूलर लगाने का ये मतलब था। अभी जब मैं इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा ना, तो ये जो विच आई ऑलवेज यूज़ लिखा है ये कट रहा होगा, ये वाई नीचे जा रहा है, बिल्कुल इतना ही आता है उसमें। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस सारे को सेलेक्ट करूँगा दोबारा से और इसको हल्का सा ऊपर करूँगा, अब ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे अब मैं इसको हल्का सा ऊपर तो नहीं कर सकते क्योंकि ये वाइट स्पेस लेके जा रहा है, तो मैं इसको हल्का सा बड़ा कर दूंगा इस तरीके से, ऐसे एडजस्ट करके देखता हूँ। यस, क्योंकि इससे हमारे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो ये यहाँ तक होना चाहिए ऐसे,
और ये हो गया हमारा काम ख़त्म यहाँ पे फ्रंट इमेज का। तो इतना टाइम एक्चुअल में फ्रंट में लग जाता है। अभी क्या करना है, अभी जो मुझे करना है वो करना है, आपने फ्रंट बनाना सीख लिया, अब खाली आपने इस पे क्लिक करना है और कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हैं आप। सॉरी, कंट्रोल जे से इसमें काम नहीं होता, वो फोटोशॉप में होता है। तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे और इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये हमने एडजस्ट कर लिया ऐसे, और ये हो गया आपका काम। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं हम, ये आ गया, ठीक है। पहला अभी क्या हुआ, ये यहाँ पे इसके साथ हम ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे, ये देखो ऐसे 1 2 हो गया। देखो आर्टबोर्ड 2, उसके बाद आर्टबोर्ड 3 कैसे काम करेगा। यहाँ पे इसको हमने प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया ऐसे, और यहाँ पे आर्टबोर्ड 3 ले लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम अपने आर्टबोर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लिक किया, डिलीट कर दिया, आर्टबोर्ड पे जाके चेक किया, ये हमारा 2 आर्टबोर्ड है, ठीक है। अभी ये इसके साथ अटैच है, तो इसको हम अटैच नहीं रहने देंगे, उससे वैसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो अलग ही है अपने आप में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे जाके चेक करते हैं कि ये अलग हो गया बिल्कुल या नहीं। तो ये हल्का सा यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो इसको हल्का सा ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे। ये देखो ये हो गया एडजस्ट। सेम यहाँ पे इसको हल्का सा ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे यहाँ, और ये ऊपर। तो इस तरीके से हम अपने आर्ट बोर्ड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और चाहो ना, अगर आप चाहो तो इसको अदर अलग अलग भी कर रख सकते हो, आर्ट बोर्ड को ना ऐसे भी रख सकते हो अलग अलग, पर उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने आर्ट बोर्ड्स को यहाँ पे चाहो तो, मैं ये एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि ना यहाँ पे आप एक नया आर्ट बोर्ड इस तरीके से बना के उसका साइज़ यहाँ पे 1080x1350 इस तरीके से बना के भी आप अपना काम चालू कर सकते हो दूसरे आर्ट बोर्ड पर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें एक फ़ायदा हो जाएगा आपको कि ना ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये डिस्टर्ब हो रहा था ना, तो इस तरीके से अभी ये डिस्टर्ब नहीं होगा। अब यहाँ पे अपना दूसरा काम चालू कर दो। अभी जैसे कि दूसरे में मैंने यहाँ पे डालना है आस्क सो मैनी टाइम्स, तो यहाँ पे गए, कंट्रोल जेड किया सबसे पहले, कंट्रोल सी किया और एम प्रेस करा, 1080x1350 किया। उसके बाद इसको सेंटर अलाइन यहाँ से करते हैं, आई प्रेस करके यहाँ से कलर ले लेते हैं। इसको यहाँ से उठा के लेके नहीं आने का फ़ायदा नहीं है कोई, क्योंकि ये सब मैंने आउटलाइन कर दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाके कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, उसके बाद ये देखो यहाँ पे जाके इसको करता हूँ मैं वही सेम CHAM, ये चैम्पियन ना करके अभी मैं पॉपिंस ले लेता हूँ यहाँ पे, पॉपिंस ब्लैक। पॉपिंस ब्लैक करने के बाद इसका कलर मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा वाइट, ठीक है, वाइट आ गया। और ये आ गया सेंटर में, और इसको ऐसे कर लेंगे। और अगर चाहो ना, आप इसका भी एक रूलर बना सकते हो यहाँ पे, हर चीज़ का रूलर बना के ना, ये सब अलाइनमेंट का तरीका होता है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे, देखो ये हो गया अलाइन, अब ये ऊपर से अलाइन है सबके साथ, ठीक है। तो यहाँ से आस्क सो मैनी टाइम्स ये लिख दिया, और ये थोड़ा सा लंबा तरीका होता है, पर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, शिफ्ट के साथ यहाँ पे आए, कंट्रोल जी प्रेस करा, और ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल वाई, जो भी चीज़ नीचे है उसको राइट क्लिक करके अरेंज बाय फ्रंट कर लिया, कंट्रोल वाई प्रेस करा, ये ऊपर आ गया, और इसको मिडिल में कर लिया। ये देखो आ गया वही तरीका, आस्क सो मैनी टाइम्स। इसको मैं अपने तरीके से एडजस्ट करता हूँ। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी टाइपो की स्किल होगी ना, उतने ज़्यादा अच्छा आपका डिज़ाइन बनता चला जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, टाइप की स्किल अच्छी कर लो और आपका डिज़ाइन हो गया बड़ी बढ़िया। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ज़्यादा दिखानी है, क्या चीज़ कम दिखानी है, किस चीज़ के कहाँ रखने से क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अभी देखो इसको मैं ऐसे भी रख सकता था, पर नहीं रखना है मुझे ऐसे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसको मैं ऐसे करूँगा, ये ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा करना पड़ेगा, 150, यस, ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से कुछ,
और यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर यू विल फाइंड, और यहाँ पे मैंने क्या, यू विल फाइंड एवरी टूल विच, ये क्या लिखा है, विच आई ऑलवेज ऑलवेज हेयर यू विल फाइंड एवरी टूल विच ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से एवरी टूल विच आई यूज टू क्रिएट कैरोसेल, विच आई यूज टू क्रिएट माई कैरोसेल, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है एक एक चीज़ को छोटा छोटा करके ठीक है, और इसको हल्का सा कंट्रोल जी करके मैं इसका ग्रुप बना के इसको सेंटर लाइन ऐसे भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने चीज़ों को अलाइन डिसअलाइन ये सब कर लेते हैं। अब ये मेरा सेकंड वाला डन हो गया है ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे अगर ये मेरे को फाइनल लग रहा है तो इसको फाइनल कर दो, वरना उसके ऐसे चेंजेस कर लो। अगला आता है तीसरा वाला, तो या तो मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूँ और यहाँ से इसकी कॉपी बना लूँ ठीक है। तीसरा यहाँ पे मैं इस तरीके से, अब मेरा तीसरा क्या है, तीसरा एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जो मैं ज़्यादातर यूज़ कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरीके से एडोब फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, तो फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर ये बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा ठीक है। एडोब को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बड़ा बड़ा ठीक है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से करके छोटा कर लेता हूँ और छोटा, ताकि ये इसके अंदर आ जाए। और यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर लिया, एडोब में जाके ऐसे कर लिया ठीक है। अब ये देख रहे हो आप, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, एफ से क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ तो कहीं भी आ जाता है, एफ से वहीं आएगा जहाँ पे होता है ठीक है। देखो कंट्रोल सी करके अगर मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो इसके नीचे आया, कंट्रोल जेड, अगर मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल एफ करता हूँ ना, अब देखो ये इसके ऊपर आ गया। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये करना होता है। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब चाहूँ तो मैं इसको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का एक आइकन लगा दूँ यहाँ पे ठीक है, जिससे डिजाइनिंग अच्छी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का एक आइकन उठा लाता हूँ यहाँ से ऐसे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैं यहाँ पे जाके अब ये देखो लिंक को रखा है इससे, ये देखो, तो इसको उसके लिए क्या होना है, एम्बेड। अब ये देखो ये अलग हो गया, एम्बेड ये अलग हो गया, इसको अलग अलग ऐसे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, मैक्सिमम 1 घंटा आपको लगेगा, अभी मैं तो आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है ठीक है। तो मैक्सिमम इतना ही टाइम लगता है एक डिज़ाइन को बनाने के लिए। और ये देखिए एडोब के यहाँ पे ये दोनों सिंबल आ गए, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आ गया, ये देखो ये थोड़ा प्यारा लग रहा है अब देखने में। उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे अपनी ये लाइन लिख दूँगा इस तरीके से। अब ये देखो, अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी डाल रहा हूँ तो वो आगे जा रहा है, रीज़न क्योंकि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ नहीं बनाया हुआ। इसको नीचे करता हूँ, यहाँ टी प्रेस करो और क्लिक ना करके उसको ड्रैग मार दो, ड्रैग मारोगे तो आपके पास एक पैराग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, कंट्रोल वी प्रेस करके आई प्रेस करके ये पे क्लिक कर दिया मैंने, ये जैसे ही मैंने क्लिक किया इस वाले का सारी प्रॉपर्टी इसने यहाँ पे ले ली। अब मैं यहाँ पे इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा इस तरीके से है ना, और अगर मुझे लग रहा है इसको डिलीट कर देंगे, अगर मुझे लग रहा है कि ये सेंटर होना चाहिए या फिर इसका साइज और बड़ा होना चाहिए ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका साइज बड़ा कर लूँगा मैं। तो वो सारे आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है आप कैसे करते हो, मैं इस तरीके से करता हूँ ठीक है। टू क्रिएट डिज़ाइन एंड प्ले माई क्रिएटिविटी, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ लगा सकता हूँ ठीक है, और इस चाहूँ तो इसको यहाँ लगा सकता हूँ, पर यहाँ ज़्यादा सही लग रहा है, ये प्रॉपर एक अलाइनमेंट दिख रही है। तो इस तरीके से हमारी 3 स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई हैं ठीक है। अभी ये थोड़ा ओड लग रहा है तो इसको मैं यहाँ पे ही लगाऊंगा, जिससे कि ये सेंटर अलाइनमेंट में प्रॉपर तरीके से आ जाए ठीक है। अब मैं 4थी स्लाइड पे काम करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ऑल्ट के साथ अगर मैं ये, आप सोचोगे कैसे आ रहा है, ऑल्ट प्रेस करके जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, सिंपल ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे ये हो जाता है ड्रैग ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये मेरा को, अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन है फोटो और वेक्टर के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा होता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको और इसको यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है, इसको और अडोब को भी हटा दिया, फोटो और वेक्टर यहाँ से मैंने ऐसे डाल दिया, और फोटो अब यहाँ पे देखो, एक और नया डिज़ाइन तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करा, फोटोज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया, हल्का सा इसको बड़ा करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेक्टर लिख लिया, हल्का सा इसको बड़ा करेंगे बराबर इसके ही, और इसके बाद यहाँ पे इसका और एन लगाते हैं, एंड एंड लगाने के बाद मैं इसको बीचों बीच लग के हल्का सा बड़ा कर दूँगा, ठीक है, हल्का सा बड़ा कर दूंगा, इसको बीचों बीच रखेंगे इसके, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ओ मैंने बताया था, या फिर राइट क्लिक करके वही आउटलाइन क्रिएट करके, और इसके बाद आई प्रेस करूंगा और इस ग्रेडियंट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो क्या हुआ, ये देखो, ये एक नया डिज़ाइन का तरीका बन गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मुझे और अच्छा करना चाहता हूँ मैं, ये कि और निकल गया है एंड, है ना, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टाइल्स में, ड्रॉप शैडो में, अभी यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको करता हूँ 10 10, ठीक है, और इसका ब्लर कर देता हूँ 10, और इसको ओके कर देता हूँ। अब देखो आया निकल के एक अच्छा सा डिज़ाइन, और तो इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन स्किल्स को क्रिएट कर लेते हैं। फोटो एंड वेक्टर के लिए मैं क्या करता हूँ यूज़, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्री पिक पिक्सल्स एंड शटर स्टॉक, तो अभी मैं इसको चाहूँ तो ऐसे बता दूँ इसी हेडिंग के अंदर, या फिर मैं इसके लिए है ना, जैसे ये एडोब था, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान आ रही है कि कंट्रोल शिफ्ट ओ करके मैं यहाँ पे भी इसको इस तरीके से डालना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसका एंगल देख रो, एंगल कहाँ से दिखेगा, ग्रेडियंट में जाके यहाँ पे देखो, ये 120 करता हूँ मैं, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है अभी। अब यहाँ पे वेक्टर के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा और लिख ये पेस्ट कर दूँगा, फ्री पिक पिक्सल्स और ये, उसके बाद इसको छोटा कर लूँगा, और यहाँ पे जाके इसको चेक करता हूँ मैं, सेमी बोल्ड या फिर अपना वही मीडियम, मीडियम करने के बाद यहाँ पे इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, फ्री पिक पिक्सल्स एंड शटर स्टॉक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जाके ये कॉपी की मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी, तो ये हमारा फोटोशॉप फोटोज़ और वेक्टर्स का हो गया, ठीक है, तो कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस से ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से ना मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी लंबी क्लास होने वाली है तो बोर मत होना, ठीक है, पर आपको एक तरीका समझ में आ जाएगा कि एक प्रोफेशनल कैसे डिज़ाइन होता है। अब ये देखो, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना इतने सही सुंदर सुंदर, ये सिर्फ टाइपोग्राफी का गेम है और कुछ नहीं है। उसके बाद आता है हेडिंग फॉन्ट, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इस पे यहाँ पे चलता हूँ हेडिंग फॉन्ट, इसको भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग फॉन्ट को मैं इसको छोटा रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना है कि कौन सा मैं हेडिंग फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा होता हूँ ज़्यादातर, तो यहाँ पे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन लिखा हुआ आया, ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे गया, अपने वो फॉन्ट डाल दिए जो मैं ज़्यादा तर क्या हमेशा हेडिंग में यही दो यूज़ कर रहा होता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया है, ये मेरे दो हैवी है, चैम्पियन और पॉपिंस, ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से सेंटर लाइन यहाँ पे ऐसे कर दूँगा, इसको मैं यहाँ से ऊपर कर दूँगा, उसके बाद सेंटर लाइन करूँगा, ये बीच में आ गया, उसके बाद ये हेडिंग फॉन्ट पे गया, कंट्रोल शिफ्ट ओ करा, आई प्रेस करा, ये यहाँ से मैंने ये ले लिया, अभी क्या चेंज करना है आपको पता ही है, यहाँ पे गए और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से गया 120 कर दिया, ये देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने इन चीज़ों को सही कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अभी हेडिंग फॉन्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, जैसे ये है ना फॉन्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल जी प्रेस करा, इसको यहाँ पे लेके आ गया, कंट्रोल जी प्रेस करा, अब इन दोनों को मैंने सेंटर कर लिया, इसको भी सेंटर कर लिया, इसको ऊपर कर लिया, और उसके बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको मैं ऐसे बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, और ये नीचे नहीं आना, ये ऊपर आना है, और ये हल्का सा यहाँ पे नीचे होना है, और ये यहाँ पे होना है, इस तरीके से ये देखो हमारी स्लाइड बनती चली जाएंगी, और
कुछ भी ज़्यादा बड़ा कुछ काम नहीं करना है हमें। और अगर हम ये चाहते हैं ये सेंटर लाइन ऐसे होना चाहिए, ये सारा सेंटर लाइन, तो अपने तरीके से, अपने डिज़ाइन स्किल्स के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे सारे डेटा को यहाँ पे, ठीक है। तो ये था इसका तरीका करने का, और यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आपको पता लग गया है क्या स्किल्स होती हैं। यहाँ पे हमने 5 स्लाइड बना ली अपनी, 5 स्लाइड बना ली, और ये जो आगे की स्लाइड्स हैं ये भी मैं बना के आपको उसमें डाल के दिखा दूँगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे डायरेक्ट DM करो, और इसकी पूरी की पूरी ये ओपन फाइल मैं फॉन्ट के साथ, ठीक है, पूरी की पूरी ओपन फाइल फॉन्ट्स के साथ मैं डाल दूंगा आपके जो ब्लॉग इसका आने वाला है अभी नया रिसेंटली, उस ब्लॉग के साथ मैं डाल दूंगा अपनी वेबसाइट पे। वहां जाके आप उससे पूरा का पूरा फाइल डाउनलोड कर लेना। उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप चेक करना किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। आप चाहो तो मेरे ये जो मैं ग्रेडियंट है ये भी ऐसा का ऐसे ही छोड़ दूंगा यहाँ पे, आप ये भी डाउनलोड कर लेना फ्री में यहाँ से मेरी वेबसाइट से जाके, और आप जाके चेक करना कि देखो किस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाया है और क्या क्वालिटी आती है, एक डिज़ाइन को बनाने में क्या प्रॉब्लम नहीं आती, क्या आती है, वो सारी आपको समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू सी माई वीडियो। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करो जितने भी न्यू आपके कमर्स हैं, न्यू डिज़ाइनर्स जो भी आ रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग आपको आशीर्वाद दें, और मुझे तो देंगे ही देंगे। खैर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।